घोसी उपचुनाव के रुझान का पांचवा चरण सामने आ चुका है और बीजेपी के दारा सिंह अभी भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह ने जो अपनी बढ़त है वो और ज्यादा मजबूत कर ली है और ये निर्णायक भी हो सकती है। आपको बता दें कि पांचवें चरण में बीजेपी के दारा सिंह के 11,927 मत हुए हैं, जबकि सपा के सुधाकर सिंह के 18,946 मत हो गए हैं, यानी कि जो डिफरेंस है वो 7,019 वोटों का है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस अपने आप में हो जाता है। इसको पाट पाना बीजेपी के दारा सिंह के लिए अब यहां से मुश्किल हो सकता है। 11,927 मत मिले हैं पांचवें चरण तक बीजेपी के दारा सिंह को, सपा के सुधाकर सिंह को 18,946 मत अब तक मिल चुके हैं। ये बढ़त शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि सुधाकर सिंह के साथ बनी हुई है और ये बढ़त और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, जो जाहिर बात है बीजेपी खेमे में मायूसी लेकर आ रही है। दारा सिंह इस सीट से विधायक चुनकर आए थे सपा के सिंबल पर, पिछले विधानसभा चुनाव में वो सीट छोड़ते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उपचुनाव होता है उसी सीट से लड़ते हैं, लेकिन अब वो यहां पर पिछड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं।